Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए- हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज की इस छोटी सी महफ़िल-ए-सुख़न में हमारे साथ मेहमान शोरा मौजूद हैं इशरत जख्मी, अजा बजा लातो, जीम सीन धड़कन, शमीम मियाँ, तमन्निया पहलवान, और आज पहली बार हमारे साथ शरीक महफिल हैं उभरती हुई नौखेज शायरा सुरैया चांदनी। आधा बरस अजय चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से। जख्मी मियां, ठीक है ये हमारी बावच है, मगर कुछ ख्याल कीजिए, यहाँ वो बतौर मेहमान बैठी हुई। अरे धड़कन भाई, चौथी रफी के हयात है हमारी, जज्बात रुक नहीं पाती। काश आप चार शादियों की जगह चार जमातें पढ़ लेते तो आपको इतना शऊर तो आ जाता कि बीवी के साथ जज्बात का इजहार स्टूडियो की रोशनियों में बैठ के नहीं करते, घर के दिए की टिमटमाहट में करते। दिए की टिमटमाहट का मतलब? घर में बिजली का मीटर नहीं लगा मौसूफ के, दिए में सारी जिंदगी गुजार दी और बीवी चौथी कर ली। इस दफा तो मैं और शमीम मियां मिल के इसरार करते रहे कि जख्मी मियां, अगर चार पैसे इकट्ठे हो गए हैं तो बिजली का मीटर लगवाओ, चौथी शादी रहने दो। कहने लगे, नहीं भाई, किस लिए मीटर लगवा लूं, मैं खुद मीटर हूं, दिए में ही जिंदगी गुजर रही है। ठीक है, सारी जिंदगी दिए में गुजार दी और किसी को टका नहीं दिया। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, जब तीसरी शादी कर रहे थे तब भी हमने बड़ा समझाया, इसरार किया कि शादी मत करो, डोंकी पंप लगवा लो। अच्छा, नहीं लगवाया, शादी कर ली। शादी कर ली और आज तक खुद डोंकी बन के सरकारी फिल्टर से पानी लेने जाती हूँ, डोंकी पंप नहीं लगवाया। इशरत भैया क्या कर रहे हैं, ना आपके घर में पानी ना बिजली, शादियों पे शादियां करते जा रहे हैं। भाई ये तो कुछ भी नहीं, बिजली पानी दूसरी शादी पे ही इन्होंने सितम जरीफी की इंतहा कर दी थी। वो क्या किस्सा है? पहली बावज में से एक ही बेटा था, उसे टाइफाइड हुआ हुआ है, उसको दवाई नहीं ला के दे रहे, दूसरी शादी कर। बड़े जालिम इंसान, तो वो बेटा बाद में बच गया। जी जी, अल्लाह ताला ने उसको सेहत बख्श दी, अब वही बच्चा इनके कत्ल की मंसूबा बंदी कर रहा है। अगर आपके वसायल इजाजत नहीं देते थे तो चार शादियों की क्या जरूरत थी, एक ही काफी थी। वसायल तो एक शादी की इजाजत भी नहीं दे रहे थे, घर बना रहे थे कि शादी बनाऊंगा, बाहर वाला मेन गेट अभी रहता था तो शादी कर ली। अच्छा, बस चंद माह बाद मियां बीवी में कोई झगड़ा हुआ है, गेट तो लगा नहीं हुआ था, भाभी चली गई। हाँ होता है ना, झगड़ा हो तो बेगम गुस्से में चिट्ठी खोलने की कोशिश करती है, उतनी देर में उसका हाथ थाम लिया जाता है, गेट वेट ही नहीं था, पहले ही गुस्से में गाली निकाली है, मौसूफ ने बच्चा भी नहीं उठाया, वो छोड़ के चली गई फौरन। जी वैसे हाथ कर दिया आप दोस्तों ने, भाई सब कुछ अगर यही बता देंगे तो हम अपनी सवाने हयात में क्या लिखेंगे। सवाने हयात में लिखने के लिए भी काफी वाहियात चीजें हैं। बात हो रही थी भाभी की, जी चौथी है मौसूफा, और यकीन मानिए कि ये इनकी खुशनसीबी है कि इतनी अच्छी औरत इनको मिल गई। अच्छा, जी हाँ, बड़ी मेहनती औरतें। अच्छा, सर्कस में काम करती है। कमाल, मेरी किताब की पंच बता रहे हैं। बस इत्तेफाक से एक दिन हमारा मशारा कैंसिल हो गया, हम दोस्तों ने कहा चलो सर्कस देखते हैं। अच्छा, तो छुरियों का जो दायरा होता है उसमें भाभी डाई लगाती थी, इसी अदा पे जख्मी मियां दिल हार गए। अच्छा, सर्कस के मालिक से दस्तों गिरेबां हो गए, कहने लगे हम तो जख्मी हैं, क्यों इनको भी आपने जख्मी करना है। वहां से बस ले आए,
वो तो सर्कस में छुरियों के अंदर से गुजरती थी, अब घर में इनको छुरी की नोक पे नचाती है। ये ऐनक कोई फैशन के लिए नहीं लगाती, ये सर्कस में एडम करते हुए आंख में छुरी लग गई थी। ओ, माजी को छोड़िए, ये हस्ब-ए-हाल है, हाल की बात कीजिए ना। जुनैद साहब, इनको देखते हुए अब हमने भी तबाह आजमाई शुरू कर दी है। वो जबरदस्त, इनको देखते हुए किसी दिन दरख्त में ना चढ़ जाइएगा जी, क्योंकि जैसा अच्छा ये दरख्त पे फलांगते हुए ऊपर बैठ के फ्रूट खाते हैं, आप यकीन मानिए कोई भी और जानवर नहीं खाता। अच्छा आप कुछ सुनाइए ना हमें। जी जरूर, इन पे ही लिखा है, इश्क तो था ही किया साथ में बिजनेस इसने। वाह वाह वाह, इश्क तो था ही किया साथ में बिजनेस इसने। कैसा हुलिया मलंगाना बना रखा है, कैसा हुलिया मलंगाना बना रखा है। तूने धागे का तेरा काम भी चल निकला है, तूने धागे का तेरा काम भी चल निकला है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। अरे वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। उम्र 55 साल है, आवाज सुनी है, पपीहा बोल रहा है। तुम जरा घर चल लो, 55 साल लो, 55 की तरफ ध्यान है, पपीहे को ना देखना। बस कर बस कर, ये तबा आजमाई जोर आजमाई में ना बदल जाए। अच्छा हजूर, आप तो फरमाए आप तो उनके प्रमोटर हुआ करते थे, आपने भी तो तबाह आजमाई नहीं शुरू कर दी। हाय, मेरे जख्म पे नमक छिड़क दिया आपने। हाय हाय हाय, चूंकि जख्म इनका है, आपके नमक के दो पैकेट तो लगे होंगे। अच्छा है, बस जुनैद मियां अदबो सुखन से मोहब्बत थी। इन सुखनवरों के खर्चे पूरे करते करते कंगाल हो गए। और कंगाल होते भी इतनी देर नहीं लगी। इनका कौन सा ढाई कनाल का बंगला था, दो मल्ले का घर था, एक मोटरसाइकिल थी बगैर कागजात के, 3 महीने में कंगाल हो गए। भाई जो कुछ भी है, मैंने पानी की तरह पैसा बहाया तुम लोगों पर। चमची से पानी पकड़ के ना तो वो बहा दिया। अब कंगाल हो गए हैं जुनैद मियां, प्रमोटरी छूट गई है, अदब सुखन को छोड़ नहीं सकते, अब खुद शायरी शुरू कर दी। अच्छा आपने भी, वाह अच्छा आपने भी, ये बिल्कुल ऐसे ही कहा है कि अच्छा तेरी ये जरूरत है। तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े, ब्यूटीफुल। पता कर लें यादें हैं या कोई गिलास तोड़ दिया है। क्या कह रहे यार। वैसे छन की आवाज तो हमने भी सुनी थी, बहुत अच्छे। हम आधी रात को पानी मांगे तो आवाज ना आए, उसकी छन की आवाज भी आ गई। शेर तो उनका सुने यार, तेरी यादें कांच के टुकड़े, वाह। हालांकि इनका हुजम देखे तो उन्हें तेरी यादें रोटी के टुकड़े। जी जी इरशाद, इरशाद टुकड़े भाई, तेरी यादें कांच के टुकड़े, टुकड़े मेरा इश्क नंगे पांव। ब्यूटीफुल, यानी शिकायत करनी है, खुद जूता नहीं खरीद। अच्छा जी, आपका अपना शेर है? जी नहीं जी, सोशल मीडिया पर पढ़ा। और ये जहन में रखिए कि तमन्निया पहलवान का सोशल मीडिया आप वाला नहीं है, ये तो राह चलते हुए दीवारें बोर्ड वगैरह पढ़ ले। वाह, उसी को ये अपना सोशल मीडिया कहते हैं। भाई इनके सोशल मीडिया की भी सुन लीजिए। क्या हुआ भाई? भाई अगर मर्द अपना शेर नेट पे फेंके तो एक बंदी की भी लाइकिंग नहीं आती, और औरत अपनी तस्वीर लगा के कोई टूटा फूटा शेर भी अगर चस्पा कर दे तो लाखों की तादाद में लाइकिंग हो जाती। वैसे ये तो है जुनेश साहब, मैंने अपना एक कलाम 1.25 साल से नेट पे फेंका हुआ था, भला कितनी लाइक्स आई? कितनी? 1 लाइक। और पता कराया तो वो कौन थे भला? मेरे बहनोई। और वो बहनोई साहब ने भी इनके शेर को लाइक नहीं किया, इनके रिश्ते को लाइक किया। खूब पर्देदारी की है आपने। भाई आगे तो सुनिए, वही शेर जो 1.25 साल से जलील हो रहा था, खज्जल हो रहा था, अभी 14 घंटे पहले हमने अपनी बेगम के वॉल पे पोस्ट किया है। अच्छा। इनकी तस्वीर के साथ। अच्छा। आप यकीन मानेंगे
कि 14 घंटे में 1,85,092 लाइक्स आई है। जी वो शेर कौन सा था? अच्छा क्या है कि चलते चलते पांव के नीचे आया एक मकौड़ा, इस बच्ची को वालदेन ने ले दिया एक हथौड़ा। अच्छा है भाई, इसमें क्या अच्छा है? हथौड़ा। शेर तो सुन लेने दे ना। चलते चलते पांव के नीचे आया एक मकौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। वाह, इस शेर ने 1.5 लाख लाइक्स ले ली है। जी मैंने नहीं, आपकी भाभी ने। वैसे जुनेद मियां, आप तो ऐसे ऐसे मन चले हैं कि अपनी पोस्ट के साथ इंडियन हीरोइन की तस्वीर लगाई होती है। हाँ। ये भी अजीब बात है भाई, हद हो गई है। यानी मर्दाना तस्वीर तो अब किसी को हजम ही नहीं होती। आप यकीन मानेंगे, शमीम मियां ने गालिब की गजल के साथ अपनी तस्वीर लगा के देखी। अच्छा, लाइक्स तो आई। हाँ। मगर साथ कईयों ने अस्तग़फिरुल्लाह भी लिखा। अच्छा शमीम मियां, अभी तक आपने कुछ इनायत नहीं किया, तिश्नगी सी महसूस हो रही है। अर्ज किया है, बिजली तो नहीं जाने वाली? क्या मतलब? नहीं, मैं कलाम शुरू करता हूं तो अक्सर बिजली चली जाती है। नहीं नहीं, आप पढ़े, हमारे यहां मतबादल इंतजाम मौजूद है। इन्हीं गर्मियों का शेर है इरशाद, एसी लगा के भी कहे मैं गर्मी से मर गया, एसी का आउटडोर भी अंदर लगा लिया। शेर नहीं है तो जहालत है। जुनेद मियां, आप जरा संजीदा शायरी की तरफ आ जाएं। जी जी जरूर जरूर। तेज रफ्तारी से गुजरा रोड पे हैवी ट्रक, तेज रफ्तारी से गुजरा रोड पे हैवी ट्रक, क्या कह रहे मुकर्रर, धूल मट्टी से फिजाएं मिसले तूफान हो गई, पूछ मत मेकअप ज़दा चेहरों पे मट्टी यूं पड़ी, खाक में क्या सूरतें होंगी के पिन्हा हो गई। अरे बाबा, पिन्हा हो गई, पिन्हा खूब कहा। क्या याद दिला दिया पिन्हा। ये पिछले ही बसंत पे मैंने 2 पिन्हा सतवाए, गवर्नमेंट ने पाबंदी नहीं खोली, मेरे दोनों पिन्हा आए। आप यकीन करें, दोनों पिन्हा इतने इतने बड़े थे। भाई शमीम मियां, पिन्हा और चीज है, डोर का पिन्ना और चीज है। यार हद हो गई आपके वाले। ये पिन्ने को उर्दू में पिन्हा नहीं कहते? अबे नहीं, पिन्ना और चीज है, पिन्हा छुपाने को कहते हैं। अब ये कह सकते हैं कि हमने हमसायों के 2 पिन्ने पिन्हा कर लिए। नाज़िमिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद, इस दफा मैंने तुम्हारी नसीहत पे अमल किया। तुम अक्सर कहते हो कि जो कुर्बानी की खाल होती है उसको टक के बगैर उतरवाना चाहिए इत्याद से। मैंने सराहने खड़े होके वो अपनी कुर्बानी वाले बकरे की खाल उतरवाई है। उसके बाद मैंने फोन किया है एक मौलाना थे हमारे मस्जिद। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं जी, खाल अगर तुम बेहतरीन उतरवाना चाहते हो ना, तो सिर्फ ये काम साल में भाभी से करवा लिया करो। बकरे की खाल की गल कर रहे हैं, अपनी नहीं। हद हो गई है तुम्हारे वाले। बताने ये लगा अहम बात तुम्हें कि खाल बड़ी अच्छी मैंने उतरवाई है बगैर टक के। वो मदरसे के एक मौलाना थे, उनको मैंने फोन किया, वो अच्छे आदमी। मैंने उस इश्तिहार पे भी अमल किया कि ऐसी जगह खाल ना चली जाए जो आपका पैसा जो है या आपका वो जो सदका है वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा जी आके तो खाल ले जाए कुर्बानी की। आगे से मुझे कहते हैं कि आप कहाँ हैं? मैं कह जी फलां जगह पे मैं रहता हूँ। आपको
اندایا نہیں ہے پیچھے اچھا اچھا عزیزی صاحب بول رہے ہیں میں کہا جی جی تو کہتے ہیں عزیزی صاحب اور سناؤ میں کہا جی ٹھیک ہے جناب کھل آ کے لے جاؤ کہتا اور پھر بچے سچے ہیں سناؤ میں کہا جی وہ بھی ٹھیک ہے کھل آ کے لے جائے سکوٹر ٹھیک چل رہی ہے تھوڑا میں کہا جی کھل بکرے دی یہ سکوٹر دی نہیں آئی نہیں رہے ادھر کہتے ہیں بھائی جی اتے کدھر دے دیو میں ہوں این دور آ نہیں سکتا اتنا بھی دور نہیں تھا اور پھر میں نے نزدیک بھی کوشش کی ہے اس دفعہ میرا خیال ہے کھل لینے پہ کوئی انٹریکٹ ہی نہیں تھا چھترے کی کھال اس دفعہ پتہ کتنے کی بکی کتنے 50 روپے کی نہیں یقین کرو وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ تو میرا خیال ہے کوئی 70 روپے کے پٹرول دور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان میں کھالوں کی بے قدری ہوئی ہے یا ہو رہی ہے اور صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 برسوں میں اگر صورتحال یہی رہی تو یہ جتنے بھی رفاہی ادارے ہیں نا یہ ایدی ٹرسٹ ہے اور شوکت خانم ہے الخدمت ہے یہ بڑے ادارے کیا چھوٹے اداروں نے بھی کھالے جمع کرنا بند کر دینی ہے کیوں ہوا کیا رول پڑ گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رول پڑ گیا نا کیوں پڑ گیا کھل سوتری آن لگ پئی ہے پہلے ریشمی کھل ہوندی سی پہلی بات تو بھی تو صحیح جانور بھی وہی ہیں قربانی کا جذبہ بھی وہی ہے مطلب آج سے 20-22 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر ایک گائے جو تھی وہ 12,000 روپے میں خریدی جا سکتی تھی تو اس کی کھال 5,000 روپے میں بک جاتی تھی یعنی جو جانور کی قیمت تھی اس کا 25% حصہ آپ کھال سے حاصل کر لیتے تھے بے شک آپ اس کو یعنی عطیہ ہی کرتے تھے لیکن 25% حصہ ہوتا تھا یہ ہوتا کیا تھا اس وقت گائے کی کھال مخمل کی تھی بتاؤ بات یہ ہے سیدھی بات ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو لیدر انڈسٹری ہے اس کا بیڑا غرق نہیں اس کا قیمہ کر بیٹھے ہوئے اب تم پوچھو گے جی کب سے قیمہ ہونا شروع ہوا ہے اب سے سر تو پھر وہی شیر ایک باری پھر اب میں کیا کروں بتاؤ مطلب میں تمہیں پاکستان کی جو تاریخ کی ہم جو نااہل ترین کرپٹ ترین حکومت کہتے ہیں وہ زرداری صاحب کی حکومت تھی زرداری صاحب کے جو دور تھا اس کے آخری سال میں ہماری جو ایکسپورٹ تھی نا لیدر کی یعنی جو را پروڈکٹ ہے ہماری اور جو فنش پروڈکٹ ہے وہ ملا کے ہماری 1,31,00,000,000 تھی ٹھیک ہے اور جب یہ شیر صاحب اپنی کچار میں آئے ہیں 2013-14 میں اس وقت ہماری جو کل ایکسپورٹ تھی وہ 1,28,00,000,000 تھی ٹھیک اچھا اور یہ ہمارے جو فنانس کے چیف شیر تھے یعنی ڈار صاحب انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلے 5 سالوں میں اپنی جو ایکسپورٹ ہے لیدر کی ایکسپورٹ ہے اس کو 2,80,00,000,000 پہ لے جائیں گے اچھا 1,28,00,000,000 کو 2,80,00,000,000 پہ لے جائیں گے اچھا حالت آج یہ ہے کہ آج ہم 90,00,000,000 پہ آ کے کھڑے ہو گئے 90,00,000,000 پہ نہیں تو ارد گرد کے جو ممالک ہیں چائنا یا انڈیا انہوں نے کچھ ایسا کیا وہ سارا کوئی شیر تھی نڑا پا دیو بھائی جان وہ شیر کی وجہ سے شیر کی پالیسی یار کھال شیر دیے کہ بکرے دیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیر کو اپنی کھال بچانے کی فکر ہے اور جو بکرے اور چترے کی اور گائے کی کھال کا حال ہو رہا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کیا ہے شیر نے کی جا کے دندیاں وڑ دیتی ہیں ایگزیکٹلی دندیوں سے بھی بڑا کام یہ کیا ہے کہ ان 4 برسوں میں پاکستان کی جو لیدر پروڈکٹس کے جتنے کارخانے تھے ٹینریز سمیت 40% سے زیادہ بند ہو چکے ہیں یار کس طرح کیوں بند ہو گئے مطلب سب سے بڑی بات ہے اس وقت ہماری جو ٹینریز ہیں ان کو پورے خطے میں سب سے مہنگی بجلی مل رہی ہے سب سے مہنگی اچھا ہندوستان کو اگر 7 روپے یونٹ مل رہی ہے ہندوستان میں اسی طرح سری لنکا چائنا میں 7 سے 9 روپے کے درمیان ان کو ایک یونٹ بجلی کا مل رہا ہے ٹینریز کو ہمارے ہاں یہ ایک یونٹ 13 روپے میں مل رہا ہے ٹھیک جی دوسری بات کہ ہمارے ہاں طرح طرح کے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اب وہ ٹیکسز بجائے یہ کہ آپ اتنی بڑی یہ ہماری ایک وقت تھا کہ ہماری جو لیدر پروڈکٹس تھیں یا را لیدر تھا یہ بہت بڑی ایکسپورٹ تھی ہماری کل ایکسپورٹ کا یہ 5 سے 7% حصہ ہوا کرتا تھا آج میرا خیال 3% بھی نہیں رہا اسی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ریبیٹ دیں گے ہم آپ کو انسینٹیوز دیں گے اب اس انسینٹیو پہ بھی شرائط یہ عائد کر دی گئی ہیں کہ پہلے آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ ہمیں انسینٹیو دیں تو ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے نا اب اس وقت تم دیکھو کہ ہماری جو یہ ایکسپورٹ ہے یہ 28% کم ہو گئی ہے 28% کم کو آپ
कह रहे हो कि अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, फिर हम आपको इंसेंटिव देंगे। मैंने ये भी सुना कि आर्टिफिशियल लेदर बहुत बढ़ा, वो भी बात बहुत, ये लेदर ये भी एक बहुत बड़ी बात। हमने कम्पीट ही नहीं किया ना, हम जो इंटरनेशनल मार्केट के तकाजे थे, जो डिमांड थी, उसको समझ ही नहीं पा रहे। हुकूमत मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बेचारा हाथ पे हाथ रख के बैठा तमाशा देख रहा है कि हम कहां से कहां गिर गए। हमारे पास मशीनरी नहीं है। यानी अगर आज भी तुम पाकिस्तान की बहुत कोई दो चार बड़ी टैनरीज होंगी जिनके पास मॉडर्न मशीनरी किसी हद तक होगी, वरना आप किसी टैनरी में चले जाएं, वहां पे जो हाल है ना वो ये है कि मेरा ख्याल है लगता है कि 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वहां पे। अब 50 रुपए अगर छतरे की खाल बिक रही है तो जो नमक लगाने वाला है ना उस खाल को, एक खाल को नमक लगाने का पैसा 50 रुपए ले लेता है। नहीं तो हम लोग आर्टिफिशियल लेदर की तरफ क्यों नहीं आते, शायद वो सस्ता पड़ता हो। नहीं आर्टिफिशियल लेदर, हमें तो अपनी लेदर को बचाने की फिक्र है ना। आप यार ये ना करो कि भाई जी भारा फर्नीचर ही ऐसी बनवाना है भावे लकड़ जिडी मर्जी महंगी। मेरा मतलब है कि अगर आर्टिफिशियल लेदर से प्रोडक्ट सस्ती पड़ती है या सस्ता पड़ता है वो, तो उस तरफ आ जाना चाहिए। जैसे अब लकड़ भी बाहर से आती है, आपको पता है इंपोर्टेड लकड़ इधर सस्ती बिक रही है ये दूजी लकड़ों से, हमारी लोकल लकड़ों से। अच्छा। तो बाबा ये बात हुकूमत से करो ना, ये काम मैंने तो नहीं करने ना। हुकूमत अपनी प्रायोरिटीज को सेट करे। जिन मुल्कों ने अपनी तरजीहात का तयन किया, मैं बांग्लादेश की तुम्हें मिसाल देता हूँ। बांग्लादेश ने पिछले 2 या 3 वर्षों में अपनी जो चीन को, सिर्फ एक मुल्क को, चाइना को जो लेदर एक्सपोर्ट थी उसमें दुगना इजाफा कर लिया है। हम 28% नीचे आ गए, वो डबल हो गए, 100% इजाफा कर लिया। तो इसको मत की तो प्रायोरिटी बेचारी ये रही है ना कि तरनाके में चुकना है। यानी खालों की बजाय अपनी खाल कैसे बचानी है, वही कह रहे थे। वो के खाल सस्ती होगी, जाओ तुम्हें मैंने माफ कर दिया। क्या है? हुआ क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारी खाल उतार दूंगा, आप नहीं उतार दूंगा। अच्छा तुमने महंगी समझ के कहा था उतारूंगा। भाई क्या हो गया यार, मैं गाय की खाल की बात कर रहा हूँ, बकरे छतरे की खाल की बात कर रहा हूँ, हाथी की खाल की तो मैंने बात ही नहीं की। इट इज टू मच गोगे, इट इज टू मच। आई मीन दैट गाय इज डूइंग जुगत यू, वेरी बैड, वेरी बैड। नजीमिया में लेना एक छोटा सा वक्ता, हमारे साथ रहिएगा। लोड शेडिंग के अलावा भी एक सारिफ को बिजली के महकमे से बहुत सारी शिकायत हैं। इन्हीं शिकायत का जवाब हासिल करने के लिए इसी महकमे के एक आला अफसर को आज हमने हस्ब-ए-हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, वापडा में भर्ती हो जाओ, बड़े फायदे में रहोगे, बड़ी इनकम। इनकम को छोड़ो, पुलिस में ठुडे मारने का बड़ा मजा आता है। बेवकूफ कौन से ठुडे, हम ना हाथ लाते हैं ना पाँव, हम मुंह से ही ऐसे ठुड्डे मारते हैं कि लोगों की बांगे निकल जाती है। जाए काम करें, 40-50 बंदे इकट्ठे होकर दफ्तर में जाते हैं, आप दफ्तर छोड़ के भाग जाते हैं। वो इतने बंदे तो थाने में भी आ जाए तो तुम लोग मेजों के नीचे घुस जाते हो। उनसे बात करें, हम मेरे मैनेजर इंटरव्यू करना है। हाँ सॉरी सॉरी, जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कोई और बात रह गई है तो वो भी कर ले। वो आप भी बात कर रहे थे ना जी, तो ब्रेक में यार आप पर इल्जामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं। जवाब दे, इल्जामात ये 9/11 मैंने किया था जी। भाई आपने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। शाबाश, मैं लोगों के सोए हुए पे पानी फेंकता हूँ। इसका मतलब है तुमने किसी इल्जाम का भी संजीदगी से जवाब नहीं दिया। आप इल्जाम भी तो कोई संजीदा लगाए ना, जीना हराम किया हुआ है, संगीन इल्जाम आते हैं। मैं वापडा में हूँ भाई साहब, मैं वापडा की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा इल्जाम देखो, जब आप लोग रबते में नहीं आते तो शिकायत खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाती है। तुम लोग बिजली के बिलों पे एक्सीएन और एसटीओ के नंबर देते हो। कभी आज तक किसी सारिफ से पूछ लो कि तुम लोगों ने वो नंबर अटेंड किए? मुसलसल बंद मिलते हैं वो नंबर। जुनैद साहब, आई एम एसडीओ, आप यकीन मानेंगे, पढ़ा लिखा आदमी हूं यार, मैं कोई जाहिल बंदा नहीं हूं। जो नंबर हम देते हैं उसके ऊपर अगर उठा ले किसी वक्त, हमने तो ये सुनने फोन इसलिए बंद कर दिए हुए हैं, कभी फोन उठा लिया, ऐसी ऐसी गंदी और ऐसी ऐसी किस्म की गालियां लोग निकालते हैं कि यकीन माने अगर गवर्नमेंट मेरी ड्यूटी गालियों की डिक्शनरी छापने पे लगा दे तो इतनी समंदर में मछलियों की किस्में नहीं होंगी जितनी किस्मों की मैं गालियां लिख सकूं। भाई गालियों वाले काम करते हो तो गालियां सुनते हो ना। भाई साहब आप पिछले 1.5 घंटे से मेरे साथ हैं,
मैंने कोई ऐसी हरकत की है या आपने कोई मुझे गाली दी है? जो दिल में देते हैं गालियां वो तो नहीं बतानी ना। हजूर बात यह है कि लोगों का मिजाज बड़ा तुर्श हो गया हुआ है, लोग अब बड़े जज्बाती से हो गए हुए हैं, अब तो खाम खा एक दूसरे को गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करते, हम कौम की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत की है हमारी? ओ भाई साहब, आपकी तो टांगे भी छोटी छोटी हैं, दो मिनट में आपकी खिदमत पूरी हो जाती है। मैं इस खिदमत की बात नहीं कर रहा, छोटे इलाकों में अगर लाइट चली जाए और आपसे पूछा अभी लाइट क्यों नहीं आ रही, जी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, पूरा इलाका पैसे जमा करे नया ट्रांसफार्मर लगेगा, जगह सीधा सीधा। ये तुम किस अथॉरिटी के तहत लोगों से ट्रांसफार्मर के पैसे इकट्ठे करते हो बताओ? जुनैद साहब, ट्रांसफार्मर की भी एक फीस होती है। ये प्राइवेट जगहों पे या बिल्डिंगों में जब ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो उसकी फीस ली जाती है। हमने कुछ सरकारी जगह पे ट्रांसफार्मर लगा के कभी फीस नहीं ली। कितने भोले और मासूम बन रहे हो, मुझे नहीं पता तुम लोगों का तरीका है वारदात क्या है। मेरे सर पे तुम्हें सींग नजर आ रहे? मुझे तो नहीं नजर आ रहे, आपको नजर आ रही है जी सींग? नहीं सिंह होंगे तो वीत देखना चाहते। भाई साहब, असल में मैं ये वजाहत करनी चाह रहा हूँ कि हर महकमे में कोई ना कोई रिश्वत लेने वाला जरूर होता है। मैं नहीं कहता कि हमारा महकमा जो बिजली का है ये बड़ा पाक साफ है। किसी ने अगर कहीं मांग लिया तो आप ये इल्जाम मुझ पे तो नहीं यार लगाएं। ये कहो कि अगर किसी ने नहीं मांगे, आप लोगों में ईमानदार अफसरों की जो शरह है वो मेरा ख्याल है कि 5% भी नहीं होनी। तो फिर उस 5% भी मुझे समझ ले यार, जबरदस्ती समझ लो तुम्हें। यार मुझे वापस छोड़ो, ये बंदा बदीद है। आपको रास्ता याद है? मुझे वापसी का रास्ता नहीं याद रहता। ये कानून का हाल है हमारे यहाँ। एक और बहुत संगीन इल्जाम यह है, आपको इस बात का अंदाजा है कि यूटिलिटी बिल्स में बिजली का बिल वो वाहिद बिल है जो आखिरी जो तारीख होती है उसकी अदायगी से उससे आपको हार्डली एक दिन पहले मौसूल होता है। एक दिन पहले आपको पता है कि लोग अपना किस तरह पेट काट के बिजली का बिल जमा करवाते हैं, किस तरह जमा करेंगे एक दिन में वो बिल? नहीं जी, हम बिजली के महकमे में स्पाइडरमैन भर्ती कर रहे हैं, वो जल्दी बांट दिया करेगा बिल। सर इतना बड़ा शहर होता है, जाहिर है कुछ दिन तो लगते हैं ना, अगर किसी के पास बिल अगर लेट पहुंच गया है तो जाने दे खुदा के लिए। भाई पहुंचते ही लेट है, ये जो तुम ताखीर की वजह बता रहे हो उसकी तलावी ये कि तुम 2 या 3 दिन कम से कम सारिफ को ज्यादा दे दो। बिल्कुल। ये आपका कलर ऐसा है या मुंह पे दवाई लगाई हुई है? तो दवाई नहीं लाई भाई, ईमानदारी की चमक है। सर आप हमें इस बात की दाद नहीं देते कि ऐसी सूरत हाल में जुर्माने की माद में गवर्नमेंट को बड़े पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। भाई जी वाम का तो जूस निकल जाता ना। आप तो सोफे पे भी बैठे तो इसका भी जूस निकल जाता। जुगत में जवाब दे रहे हर बात का भाई है। मैं तो जो देख रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ। जुनैद साहब आपने गलत आदमी पकड़ लिया, मैं शरीफ आदमी हूँ। देखिए अपने मुंह से कह रहे हैं गलत आदमी पकड़ लिया। और नहीं सर जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको कोई करप्ट अफसर चाहिए था जिससे वो बात करते। मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं शरीफ बंदा हूँ जी। तो सर जी है ही कातल, चाचा मेरा बिल पर मर गया, ताया मेरा करंटर मर गया। और जनाब वो ताये आपके की को बिजली के साथ दुश्मनी होगी, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मेरा क्या कसूर है, मैं ईमानदार आदमी हूँ। कितना ईमानदार मैं बताता हूँ जी आपको सर जी। ये रास्ते मेरे साथ आ रहे थे ना तो फोन पे किसी को कह रहे थे कि दूसरे काम की मिठाई बकरी होगी। और सामने नहीं पता दूसरे काम की मिठाई कड़ी असि पुलिस गए। और सर मैं आपको बताता हूँ ऐसी बात नहीं है, वो मेरे दोस्त का फोन आया था, उसने मुझे बताया कि मेरे तीनों बच्चे पास हो गए। मैंने कहा जी इसकी तो मिठाई बनती है। तो कहने लगा 3 पास हो गए और 4th आज रात को पैदा हुआ है। उसका मैं कह रहा था कि दूसरे काम की मिठाई अलहदा होगी। सर ये सारिफ का मीटर टैम्पर करने के बाद उसे बिजली चोरी में अंदर करवा देते हैं और बाद में उससे भारी रिश्वत का मुतालबा भी करते हैं। नहीं ये गलत बात है, ऐसे ना कहिए। बिल्कुल जुनैद साहब ऐसे होता है कि कुछ लोग दलेरी के साथ उल्टा हम पे इल्जाम लगा देते हैं जी कि इन्होंने ही हमारा मीटर टैम्पर किया था। ऐसा नहीं होता, हमें क्या जरूरत है, को करता है मीटर को खराब तो हम जाके पकड़ते हैं और फिर पकड़ने के बाद लोग आपको मालूम ही आजकल किस तरह शोर मचाते हैं। तुम लोगों की चालाकियां समझना इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारा तो बिजली के बिल देते हो वही समझ नहीं आती, 1300 किस्म का तो टैक्स शामिल कर देते हो जिनको पढ़ने के लिए गालिबन PhD करनी पड़ती है बंदे को। सर आप भी तो बिजली के साथ 1300 चीजें जलाते हैं। या तो है ना बिजली के साथ सिर्फ बल्ब जलता है, अगर 1300 टैक्स लग जाते हैं तो फिर क्या है, चीजें भी तो देखे ना, हर चीज ही लोगों ने बिजली पे
کر لی ہوئی ہے, اب تو ڈبل روٹی بھی بجلی پہ گرم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں جناب آپ بتائیں, آپ تو خود ڈبل ہیں. میں تمہیں ڈبل روٹی کھانے والا لگ رہا ہوں. چلو ڈبل روٹی نہیں کھاندے تے روٹی تے ڈبل کھاندے ہو. جنید صاحب ایڈی بری حالت ہے نا دی, اس تو بری نہیں ہونی. پچھلے دن میرے محلے بتی گئی, ابل تو بتی جائے تو میرے پرابلم نہیں ہوتی, بتی جاتی تو میں کہنا مینو لب لو, مجھے بچے نے لب ہی لیا. بیٹھے رہے گھنٹہ دو گھنٹے بجلی آئی نہیں رہی, آئی نہیں رہی. میں فون کیا انہوں نے, آئے نے گلاس پاٹ نہیں جاتا. پھر میں اندر گیا, میں تھوڑا شربت پا دیا. پھر کہتے جی پوڑی لیاؤ. میں کہا تسی بابڈا والے ہو, تہاڈے کول پوڑی بھی نہیں. کہتے جی صاحب دا گھر بن رہا اتھے گئی. بھائی صاحب میں ایک آفیسر ہوں, یہ سیڑھی لے کے آنا لائن مین کا کام ہے, یہ لائن مین کا مدعا مجھ پہ تو نہ ڈالے. تو جی لائن مین واڈا کا ہوتا ہے, وہ ریلوے لینا ہوتا. کازین گیا ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم سٹار فیملی جو ڈسکس کرنا شروع ہوئے ہیں اپنے ویورز کے لیے کہ ایک فیملی میں زیادہ سٹارز کہاں کہاں پائے جاتے ہیں, وہ شوبز کے حوالے سے تو ہم نے بشرا انصاری صاحبہ کی فیملی کا کیا, وسیم عباس صاحب کی فیملی کا کیا, نیسن پٹی صاحب کی فیملی کا, پھر اپنے وہ جو ہیں نصرت فتح علی صاحب کی فیملی کا کیا. اب ذرا سیاست کی طرف بھی آؤ نا, اور سیاست میں سب سے پہلے جو مجھے زیادہ سٹار نظر آتے ہیں کسی فیملی میں سیاست کے, وہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا. بہت بڑا خاندان ہے, بہت بڑا خاندان, بہت سیاستدان ہے. میں تو حیران ہی ہو گیا ان کے خاندان میں اتنے زیادہ سٹار پائے جاتے ہیں. ان کے اگر فرسٹ ریلیٹیو ہی گنے جائیں نا شاہ صاحب کے, تو میرا خیال ہے کہ تبھی میرا خیال ہے ایک سیگمنٹ میں شاید گنتی ممکن نہ ہو. اور اگر ان کی پوری رشتہ داریاں پوری پاکستان میں پھیلی سیاست میں شمار کی جائیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 10 سیگمنٹ چاہیے. اور خود میں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ کیمبرج یونیورسٹی سے لا کیا ہوا ہے, یہاں پہ وہ ایجسن میں بھی پڑھے ہوئے ہیں, اس لیے اردو بھی انگریزی کی طرح بولتے ہیں. بڑی شستہ اردو بولتے ہیں یار. یار انگریزی کی طرح مینز یہی ہوتا ہے کہ رچ اردو, انگلش سے زیادہ رچ دنیا پہ اس وقت کون سی یہ بات. شاہ صاحب یار اپنا ایک مزاج بھی تو رکھتے ہیں نا. شاہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یعنی روب میں لا کے اپنی بات کبھی نہیں منوائی جا سکتی. اچھا جی. ہاں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک بار زرداری صاحب نے طارق عزیز صاحب, مشرف والے طارق عزیز صاحب, ان کو بتایا تھا کہ میں ان کو وزیر اعظم بنانے لگا ہوں, اور طارق عزیز صاحب نے زرداری صاحب کو منع کیا تھا کہ ان کو وزیر اعظم نہ بنائے. یہ ایک تو آپ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کریں گے بعد میں, اور یہ اصول پرست آدمی ہے, یہ جلدی آپ کی بات میں نہیں آئیں گے. سر یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے سٹار فیملی؟ عام طور پہ نا قریشی صاحب کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ دادا سے سیاست میں تھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے پردادا سے سیاست میں تھے. بلے 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 بلے. یہ اگر ان کے دادا دیکھے جائیں تو ان کے دادا قائد اعظم کے ساتھ ایم ایل اے رہے ہیں, لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن رہے ہیں تقسیم سے پہلے. بلے بلے. اور کیا نام تھا جی ان کا؟ مرید حسین. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ان کے دادا کا نام بھی مخدوم مرید حسین قریشی تھا, اور ان کے ایک بھائی کا نام بھی مخدوم مرید حسین قریشی. ہاں وہ بھی ایک دفعہ الیکشن لڑے. اب میرا خیال دونوں میں اختلافات بھی موجود ہیں بھائیوں میں, لیکن وہ گدی کے حوالے سے اختلاف ہے. لیکن ان کے دادا جو تھے وہ بہت بڑا نام تھا سیاست میں, اور ان کے والد صاحب پنجاب کے گورنر سجاد حسین قریشی, وہ بھی وہ تو ہمارے سامنے گورنر پنجاب رہے ہیں, پنجاب کے گورنر بھی رہے ہیں, اور تین بار غالباً 1962 65 اور 77 میں ایم این اے بھی رہے ہیں, قائد اعظم کے ساتھ بھی رہے ہیں سجاد حسین قریشی صاحب خود. ہاں خود ان کے والد صاحب. ہاں ان کے والد بھی, دادا بھی اور ان کے والد بھی. بہت اچھے بہت اچھے. اور سجاد حسین قریشی صاحب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس کو سائل جاتا تھا تو اس کو خالی ہاتھ نہیں تھے بھیجتے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا نا تو کہتے تھے دعا کرو اللہ پاک کرم کرے. یہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا. بات تو ٹھیک ہے, اللہ نے کرم کرنا ہے. اور سجاد حسین قریشی صاحب صرف گورنر نہیں,
वो सेनेट के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हुए। अरे वाह। फिर इनके एक जो भाई मुरीद साहब बता रहे हैं, खुद भी ये मिनिस्टर भी रहे हैं कई दफा, और ये मेरा ख्याल है बल्दिया के भी अपने मुल्तान के ही हाँ, नाज में हालात है ना। हाँ हाँ। और इनका वैसे जहाँ पे सियासत का किला मजबूत हुआ था ना, वो यही इनका एक एक्शन था कि ये जब नाज़िम आला थे मुल्तान में, तो परवेज मुशर्रफ ने वहां पे जाना था, तो नाज़िम आला ने असूलन उनका इस्तकबाल करना था, तो ये इन्होंने इनकार कर दिया था परवेज मुशर्रफ का इस्तकबाल करने से, एक ये हरकत, और दूसरा जब इनका सिर हैलरी के सिर से टकराया था, ये यूं कह लो कि इन्होंने हैलरी को टक्कर मार के बड़ी शोहरत हासिल की। 85 में ये पहली बार जो गैर जमाती इलेक्शन था उसमें ये एमपीए बने थे, फिर मुस्लिम लीग में या मुस्लिम लीग नून में कह सकते हो, क्योंकि उसमें गालिब धड़ा यही था, नवाज शरीफ के साथ रहे। फिर 93 में जब नवाज शरीफ ने इनको टिकट देने से इंकार किया था, तो इन्होंने 93 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और जावेद हाशमी को हराया था। फिर 97 में जावेद हाशमी साहब ने अपनी शिकस्त का बदला लिया था, वापस इनको और आया था। हाँ जी। फिर ये पीटीआई में आ गए, आजाद इलेक्शन भी लड़े हुए। शाह जी ने वैसे सियासत में खेला चटाप हुई है, मगर बड़ा नाम है। उसके अलावा इनका जो बेटा है, आप सुना मैंने, वो भी सियासत में जैन कुरैशी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो अपना इनका मुल्तान में रवायती हल्का है, वहां से इस बार जैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ाएंगे, और खुद या उसके जो मुत्सिल हल्का है उससे लड़ेंगे, या लाहौर के लिए भी शाह साहब पर तोल रहे। बहुत अच्छे यार, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हम उस्मान पीरजादा साहब के साथ एक दफा ड्रामा करने के लिए गए थे मुल्तान, तो इनके कोई बहनोई थे उस्मान साहब के क्लास फेलो, वो भी कोई मेरा हाल है एमएनए वगैरह थे, उनके गरम खाना खाने गए। शुजात हुसैन कुरैशी साहब जो थे वो उस वक्त सेनेटर थे जब उनके खिलाफ नाहली का फैसला आ गया था। अब ये फैमिली की स्टारियत भी कह सकते हो या मरूसियत भी कह सकते हो कि उन बहनोई की जगह एक और बहनोई को टिकट दे दी गई थी इन्हीं के। हाँ हाँ हाँ। दूसरे बहनोई भी, वो भी सियासत, सैयद इफ्तिखार अली बुखारी साहब, बहुत अच्छे। फिर उन्होंने वो सेनेटर बने थे, बहुत अच्छे यार। फिर इनके एक भांजे हैं जहूर हुसैन कुरैशी साहब, अच्छा, वो एमपीए भी रहे पीपल्स पार्टी की तरफ से और अब पीटीआई में। हाँ हाँ हाँ। और मैंने सुना कि पीर पगाड़ा साहब के साथ भी इनकी कोई रिश्तेदारी। हाँ, बड़ी करीबी रिश्तेदारी थी, लेकिन अगर तुम इस स्टार फैमिली की दीगर स्टार फैमिलीज के साथ रिश्तेदारी निकालने बैठ जाओगे तो वो तो फिर बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी, मतलब यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ भी इनकी रिश्तेदारी। जी जी जी। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब मुझे जहां तक महसूस होता है बड़े असूल आदमी है। एक जगह पे मुझे मिले थे तो उन्होंने मेरा पुम्मा भी लिया था। साथ कह रहे बासूल है, साथ तुम्हारा पुम्मा लिया था, ये कौन सा यार बासूल आदमी हो, अजीज का पुम्मा ले सकता है, वरना इन्हें मुंह का पुम्मा लेना कोई हमेशा में बंदे का काम, बेसूल आदमी का काम नहीं। जी जनाब। नदीम, ये था आज का हस्ब हाल। खुश रहे, खुश रखे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।